मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ओरिजिनल समाजवाद आप ही में दिखता है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा कि अगर इस देश में सही में कोई अगर समाजवाद का नेता है तो उनका नाम है माननीय नीतीश कुमार जी। तो समाजवाद इन्हीं लोगों के चलते बचा हुआ है। आप तो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूनिवर्सिटी से आपकी उत्पत्ति हुई है। आपके बात को सही माना जाए कि भारत के प्रधानमंत्री के बात को सही माना जाए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े समाजवादी नेता कौन है, इस बात पर आज बहस छिड़ गई बिहार विधान परिषद के सदन की कार्यवाही के दौरान। नेता प्रतिपक्ष जो कि बिहार विधान परिषद के चयनित हुए हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने एक तरफ जहां ये साफ साफ कह दिया कि सबसे बड़े जो समाजवादी नेता हैं बिहार के वह रामचंद्र पूर्वे हैं जो कि उपसभापति निर्वाचित हुए हैं बिहार विधान परिषद के, उन्होंने उन्हें बधाई भी दी है उपसभापति बनने पर। अब ऐसे में सुनील सिंह जो कि RJD के MLC हैं जिनके घर हाल ही में CBI की रेड हुई है, वो अब पूछ रहे हैं सम्राट चौधरी से उनकी बातों को सुनने के बाद कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने ये बातें रखी थी कि देश में लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई सबसे बड़ा समाजवादी नेता है तो वो है नीतीश कुमार। क्या वो विचारधारा BJP नहीं मानती है, क्या उन बातों से BJP सहमत नहीं है? सम्राट चौधरी ने क्या कहा, कैसे बधाई दी और सुनील सिंह ने क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। मुख्य सचेतक के तौर पर काम किया और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ओरिजिनल समाजवाद आप ही में दिखता है। ये जरूर मैं कहूंगा, समाजवादी कपूरी जी जो चाहते थे, कपूरी जी लोहिया जी जो चाहते होंगे, जिस विचारधारा को लेकर, क्योंकि सुना तो मैंने उनको देखा नहीं, कपूरी जी को देखा था, दुबे जी मुख्यमंत्री थे तब, लेकिन जब मैं विचारधारा की बात देखता रहा तो मैं आप ही में उसके प्रतिबिंब देखता हूं कि समाजवाद इन्हीं लोगों के चलते बचा हुआ है। आज मैं फिर से सभापति महोदय आपके माध्यम से और पूर्वे जी को फिर से बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इनके बारे में उद्गार व्यक्त किए, हमारे डिप्टी CM आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो उद्गार व्यक्त किए, हम पूरी तरह सहमत हैं और हम विश्वास करते हैं कि सदन में बैठे हुए जितने लोग हैं इनके बातों से कोई भी तफरका नहीं रखते हैं। और जब भी कोई वैसा संसदीय मामला यहां पर आया सदन में, और मैंने 2 वर्ष के अंदर में भी देखा कि कभी भी कब काफी जब विरोध हुआ तो उसको संभालने की पूरी कोशिश की है। तो जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि भाई इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, हम बिल्कुल सहमत हैं और हम कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। हम नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, कल इनको धन्यवाद नहीं दे पाए, बधाई इनको हम नहीं दे पाए, तो इनको बधाई देते हैं। और कुछ जो मेरे मन में भावना है हम व्यक्त भी करना चाहते हैं कि कभी भी, आप तो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूनिवर्सिटी से आपकी उत्पत्ति हुई है, आपका जीवन का शुरुआत वहां से हुआ, आप सुलझे हुए व्यक्ति के साथ अपना राजनीतिक जीवन शुरुआत किए, तो कभी भी कोई बात बोलिए समाजवाद का अगर व्याख्या करते हैं तो यह बात आप कभी नहीं, आपको भूलना चाहिए कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में क्या परिभाषित किया। तो आपके बात को सही माना जाए कि भारत के प्रधानमंत्री के बात को सही माना जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा कि अगर इस देश में सही में कोई अगर समाजवाद का नेता है तो उनका नाम है माननीय नीतीश कुमार जी। तो मैं बगैर किसी द्वेष के यह बात सदन में रख रहा हूं और हम अपेक्षा करते हैं आप लोगों से भी, जो आप लोगों के साथ हादसा हुआ इधर हाल के दिनों में, तो बिल्कुल दुखी हैं कोई रहा, और हम अपेक्षा करते हैं आप लोगों से भी, जो आप लोगों के साथ हादसा हुआ इधर हाल के दिनों में, तो बिल्कुल दुखी हैं कोई रहता दुखी होता, तो भाई मन से इसको निकाल लीजिए और स्वच्छ भावना के साथ इस सदन में सभी बातों को रखिए। इसलिए पुनः हम सभापति महोदय के प्रति आभार प्रकट करते हैं, रामचंद्र पूर्वे जी को हम हार्दिक बधाई देते हैं और इसी के साथ अपने बात को समाप्त करते हैं। जय। तो सम्राट चौधरी जो कि बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल बने हैं, नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्होंने एक तरफ जहां रामचंद्र पूर्वे को बधाई देते हुए इशारों में नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया, पूरी की पूरी महागठबंधन पर कटाक्ष किया, तो वहीं जवाब देते हुए सुनील सिंह ने जो कि RJD के MLC हैं क्या कुछ कहा
क्यों बीजेपी वालों को इन दिनों पीड़ा हो रही है? झटका तो लगा है जोर का, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई है, और जवाब क्या दिया है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अब बिहार विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों ही जगह सभापति और विधानसभा अध्यक्ष बदल चुके हैं, दोनों का ऐलान हो चुका, दोनों के नाम पर मुहर लग चुकी है। एक तरफ जहां अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, वहीं देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति बन चुके हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।